गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए आज हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग ने जाना था कि जो अर्थ है ना, उसमें जीवन जीने के लिए जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, ठीक है, वो क्या क्या है। तो जो बेसिक आवश्यकता था वो था आप लोगों का फूड, वाटर एंड एयर। ठीक है, आज हम लोग एक्टिविटी 4 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 4 दिए गए हैं, मटेरियल रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यक सामग्री कौन कौन सी है, चलिए देखते हैं। टेस्ट ट्यूब यानी कि परख नली, टेस्ट ट्यूब होल्डर यानी कि परख नली को पकड़ने का होल्डर, वाटर चाहिए, कैंडल, बर्नर यानी कि जो गर्म करने का साधन होता है ना, और मैच स्टिक, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए हम लोगों को आवश्यक सामग्री। अब प्रोसीड्यूर है ना, अब हम लोग क्रिया देखते हैं। फिल हाफ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, फिल हाफ द टेस्ट ट्यूब विथ वाटर यानी कि जो टेस्ट ट्यूब है उसको पानी से आधा भर लेना है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। होल्डर, होल्ड द टेस्ट ट्यूब विथ अ टेस्ट ट्यूब होल्डर एंड हिट द टेस्ट ट्यूब। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब है उसको टेस्ट ट्यूब होल्डर जो आता है उससे पकड़ लेना है और उसको गर्म करना है। ठीक है, उसको हीट देनी है यानी कि उसको ताप देना है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड यहाँ पर दिया है, आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस स्मॉल बबल इमर्जिंग फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर मतलब जो गर्म पानी है ना, यानी कि जो उबलता हुआ पानी है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस स्मॉल बबल यानी कि छोटे छोटे जो बुलबुले होते हैं है ना, वो इमर्जिंग यानी कि दिखाई देना फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। ठीक है, यानी कि कुछ समय बाद, ठीक है, जो पानी होता है ना वो उबलने लगता है और उसमें से वायु के छोटे छोटे बुलबुले निकलते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखा है, दिस एक्सपेरिमेंट सो दैट वाटर हैज़ डिजॉल्व एयर इन इट। ठीक है, यानी कि यह जो एक्सपेरिमेंट है, यानी कि यह जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट मीन्स होता है यानी कि यह जो क्रियाकलाप है, ठीक है बच्चों, ये जो क्रियाकलाप है, ठीक है, इससे क्या होता है कि जो वायु है ना, वो जल में घुली हुई होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह ज्ञात होता है कि जल में वायु घुली होती है। ठीक है, जल में वायु घुली होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है यहाँ पर, देखिए बच्चों, 4 यानी कि सॉइल एंड लाइट। ठीक है, पहले हम लोग जो बेसिक जो आवश्यकता है ना, हम लोगों ने पढ़ा था फूड, वाटर और एयर। उसके साथ जो चौथा हम लोगों को बेसिक जो नेसेसरी है यानी कि जो मूल आवश्यकता है वो है आपका सॉइल एंड लाइट यानी कि मिट्टी और प्रकाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए हैं, अदर देन फूड, वाटर एंड एयर, लिविंग बींग आल्सो नीड सॉइल एंड लाइट टू सस्टेन्स लाइट। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि भोजन, जल एवं वायु के अतिरिक्त, ठीक है, जीवों को मिट्टी एवं प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं, द सॉइल सपोर्ट द ग्रीन प्लांट टू रिमेन इन देयर पोजिशन एंड इट एडिशन इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द लिविंग प्लांट। देखिए बच्चों, ये जो सॉइल होते हैं, ठीक है, ये पौधों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि पौधों को सहारा देते हैं है ना, और उसके साथ साथ क्या होता है, एंड इन एडिशन इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द लिविंग प्लांट है ना, और उसके साथ साथ वो क्या करते हैं कि जो प्लांट होते हैं, ठीक है, जो लिविंग प्लांट होते हैं यानी कि जीवित जो पौधे होते हैं उनको न्यूट्रिशन यानी कि पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, हम लोग तो जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जो मिनरल्स है, जो वाटर है, वो कहाँ से मिलता है, मिट्टी से मिलता है। तो उसी को यहाँ पर बताया गया है कि जो मिट्टी होता है वो पौधों को सहारा देने के साथ साथ जल तथा जो अनिवार्य खनिज होते हैं है ना, उसकी पूर्ति करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सॉइल आल्सो सपोर्ट द लाइफ ऑफ मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। जो सॉइल होता है वो हमेशा कई जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है ना, यानी कि छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म हैं सच जैसे कि इंसेक्ट, अर्थवार्म एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह हमेशा अनेक कीटों
और केंचुओं तथा अन्य जो जीव होते हैं उनको क्या करती है, आश्रय देती है। ठीक है बच्चों, ठीक है, उनको भी सपोर्ट देती हैं, यानी कि उनको भी आश्रय देती हैं। ठीक है, ये सभी क्या होती हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, मिट्टी में रहते हैं। आगे देखते हैं, लाइट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर देयर एक्सिस्टेंस। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दिया गया है देयर एक्सिस्टेंस, यानी कि जो जीवधारी हैं, है ना, उनके लिए बात हो रही है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्रकाश होता है ना, जो प्रकाश होता है वो हमेशा, ठीक है, यानी कि वो हमेशा जीवधारियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, यानी कि जो प्रकाश होता है वो हमेशा जो जीवधारी हैं उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए, प्लांट कैन मैन्युफैक्चर फूड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि जो पौधे होते हैं अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण, है ना, केवल प्रकाश की उपस्थिति में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया, यानी कि जो पौधे होते हैं उनमें भोजन का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। चलिए आगे देखते हैं, सन इज द मेजर सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, इट इज यूटिलाइज्ड बाय ऑल। ठीक है, जो सूर्य होता है वो मुख्य स्रोत होता है हीट एंड लाइट का, यानी कि ऊष्मा और प्रकाश का। ठीक है, जो सूर्य होता है वो मुख्य स्रोत होता है ऊष्मा और प्रकाश का। इट इज यूटिलाइज्ड बाय ऑल, है ना, और इसका उपयोग सभी करते हैं। ठीक है बच्चों, ताप और जो प्रकाश है उसका उपयोग सभी करते हैं। ठीक है, यूटिलाइज्ड मतलब उपयोग, ठीक है ना, उपयोग या उपयोगिता, है ना, और इसकी उपयोगिता सभी को होती है, सभी जीवधारियों को चाहिए, हीट चाहिए और लाइट चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो सूर्य होता है वो हीट और लाइट का मुख्य स्रोत होता है जिसका उपयोग सभी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है आंसर दीज, यानी कि इनके उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, व्हाई डू वी ईट फूड, यानी कि हम भोजन क्यों करते हैं। तो बताइए हम भोजन क्यों करते हैं, इसका आंसर है हम भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं। ठीक है, यानी कि जो सभी जीवधारी होते हैं, है ना, वो कार्य करते हैं और उनको कार्य करने के लिए हम लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, है ना, और ये जो ऊर्जा है वो हमें भोजन से प्राप्त होती है, इसलिए हम लोग भोजन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज़ वाटर नेसेसरी फॉर लिविंग बींग, यानी कि जल, है ना, जीवधारियों के लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, यानी कि जल जीवधारियों के लिए क्यों आवश्यक है, तो बच्चे सभी जानते हैं, है ना, यानी कि जीवधारियों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए जल आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, वेयर डू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ओटू फ्रॉम, यानी कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो जलीय जीवधारी होते हैं, ठीक है, उनको ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। तो सभी जानते हैं बच्चों कि जो जलीय जीवधारी होते हैं उनको वायु में जो ऑक्सीजन घुली हुई रहती है ना, उससे प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज सॉइल हेल्प ग्रीन प्लांट, यानी कि पौधों को मिट्टी से क्या लाभ है। तो पौधे क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट देते हैं, यानी कि उनको सहारा देते हैं, और साथ ही साथ, है ना, जो उनके न्यूट्रिशन है, यानी कि जल है, खनिज है ना, वो उनको प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उनको क्या करते हैं जी, उनको प्रदान करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कि मिट्टी पौधों को सहारा देने के साथ साथ, है ना, जल तथा जो अनिवार्य खनिज होती है उसकी पूर्ति करती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।